चंद्रकांत पाटिल के विवादित बयान को लेकर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के पास इकट्ठा होकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि फूले अंबेडकर ने भीख मांगकर स्कूल शुरू करने वाले विवादित बयान पर एनसीपी आक्रामक होकर जोरदार नारेबाजी कर रही थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर वह विवाद में फंस चुके हैं। दरअसल उन्होंने अब देश के महापुरुषों पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। कर्मवीर भाऊराव पाटिल, महात्मा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्होंने स्कूल शुरू करने के लिए लोगों से भीख मांगा। ऐसे बयान देकर विवादों में फंसे चंद्रकांत पाटिल का जाहिर निषेध नेशनल कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया। इस दौरान उन्होंने अपना ज्ञापन तहसील पुलिस थाने में भी सौंपा। नहीं सहेंगे, 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 नहीं सहेंगे। चंद्रकांत पाटिल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपको बता दें कि इस दौरान एनसीपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति भी देखी गई। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।